वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। यानी कि पता चल रहा है कि ये गर्मियों के दिन थे और सफेद हॉर्स के बारे में एक कहानी है। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, ये जो स्टोरी है दो कजिन ब्रदर्स की है। दो चचेरे भाई होते हैं, एक का नाम होता है आराम, ARAM, जो कि इस कहानी का नरेटर है, 9 साल का है, और उसका भाई होता है, चचेरा भाई होता है MOURAD, जिसका नाम है मुराद। मुराद जो है एक घोड़ा चुरा के लाता है। अब आगे क्या होता है वो हम एक इस स्टोरी में पढ़ेंगे। वन डे देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, तो ये आई कौन है, मैंने आपको बताया था आराम है, जब वो 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, ये बात बता रहा है कि जब बचपन के दिन थे, जब संसार हर तरह के मैग्निफिशेंस से मतलब है अच्छी चीजों से भरा हुआ होता है, भव्यता से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म होते हैं, तो वो कह रहा है कि जब छोटा था, बचपन के दिन थे, ऐसा लगता था जितने भी हम मिस्टीरियस सपने देखते हैं वो सब एक दिन पूरे होंगे। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, और मेरा जो कजिन था जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था मुराद, जिसको सब पागल समझते थे। यहाँ क्रेजी का मतलब वो वाला पागल नहीं है जो दिमाग से पैदल है, यहाँ क्रेजी का मतलब है जो उल्टे सीधे काम करता हो। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, और एक दिन वो मेरे घर पे आ गया सुबह सुबह 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और उसने मेरे जो कमरा था उसकी विंडो पे टैप किया, मतलब खटखटाया और मुझे जगा दिया। आराम ही सेड, उसने कहा आराम उठ। I jumped out of my bed and looked out of the window. मैं अपने बेड से उठा, यार सुबह सुबह यार 4 बजे कौन आवाज दे रहा है। I couldn't believe what I saw. भाई साहब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ मैंने क्या देखा। It wasn't morning yet. अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी, but it was the summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी लेकिन इतनी लाइट थी कि मैं ये देख पा रहा था कि ये मेरा कोई सपना नहीं है। अब उसने ऐसा क्या देख लिया। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. मैंने क्या देखा खिड़की से, भाई साहब मेरा जो कजिन है, मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, वो एक सफेद सुंदर घोड़े पे बैठा हुआ है। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने अपना जो सिर है विंडो के बाहर निकाला और अपनी आंखों को रगड़ने लगा, मतलब क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। Yes, he said in Armenian. उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. तो जो मेरा कजिन है जो कि बाहर घोड़े पे बैठा हुआ था वो समझ गया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। उसने कहा, अरे मेरे भैया ये कोई तू सपना नहीं देख रहा, जल्दी से आ जा, अगर तू घोड़े पे बैठना चाहता है यानी घोड़े को चलाना चाहता है तो जल्दी आ जा। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं अपने कजिन मुराद को उन दूसरे लोगों से ज्यादा जानता था जो भी इस संसार में आए थे बाई मिस्टेक। ही वॉज मोर अलाइव का मतलब है वो सबसे ज्यादा जिंदा दिल था। But this was more than I could believe. लेकिन भाई साहब आप तो इनने हद ही कर दी। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. अब यहाँ पे आराम जो नरेटर है वो अपने बारे में बता रहा है कि शुरुआत से मेरी longings का मतलब होता है इच्छा थी कि मेरे पास भी घोड़ा हो और मैं घोड़े को चलाऊं। This was the wonderful part. और भाई साहब आज तो मजा ही आ गया देख के। In the second place, we were poor. लेकिन अब इच्छा तो थी हमारी कि हमारे पास भी घोड़ा हो और हम घोड़े को चलाएं, लेकिन हम तो भाई साहब बहुत गरीब थे। This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, वो कह रहा है कि मुझे अपनी आंखों पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा था कि यार हम तो इतने गरीब थे कि हमारे तो खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, और एक तरफ भाई साहब वो सफेद घोड़े पे बैठा है, तो इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। Our whole tribe was poverty stricken. भाई साहब हमारा पूरा का पूरा जो कबीला था वो पूरा गरीब था। Every branch of the Garo Glenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हमारा जो पूरा कबीला का था, यानी कि हमारे कबीले को क्या कहा जा रहा है, Garo Glenian family, वो पूरी की पूरी बहुत गरीब थी। Comical poverty का मतलब है कि मतलब funny way में, क्यों वो यहाँ पे describe करते हैं। Nobody could understand where we got money enough to keep us With food in our bellies. किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपना पेट कैसे भर पाते थे। बैली का मतलब है पेट। Not even the old man of the family, जो बड़े लोग थे उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था, मतलब जैसे तैसे हम इंतजाम कर लेते थे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताते हैं वो गैरोलेनियन फैमिली के बारे में, ट्राइब के बारे में. भले से हम लोग गरीब थे लेकिन हम लोगों की एक बात बहुत फेमस थी दुनिया में, वो ये कि हम लोग क्या थे, हम लोगों को जाने जाते थे हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. ठीक है. इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थीएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड. यहां तक कि तब भी जब हमें ऐसा लगता था कि हम संसार के सबसे अमीर कबीले हैं, ऐसा उन्हें लगता था, तब भी एक चीज शुरुआत से एक चीज क्लियर थी कि हमारा कबीला एक ही चीज के लिए जाना जाता था, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग. तो ये कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भाई साहब मर जाए, लेकिन हमें इस बात का घमंड था. किस बात का? ऑनेस्टी का. हम ऑनेस्ट थे और उसके बाद हम किसी चीज को देखते थे कि कौन सी चीज सही है या गलत है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड. और भाई साहब हम में से कोई भी जो हमारे ट्राइब को बिलोंग करता था कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था, लेट अलोन स्टील. तो भाई साहब चुराने की तो बात ही नहीं उठती. तो यहाँ पे वो ये सब हमें इसलिए बता रहा है कि जैसे ही उसने वो घोड़ा देखा अपने कजिन मुराद के पास तो वो सरप्राइज हो गया. भाई साहब एक तरफ खाने के लिए ढंग से पैसा नहीं है और ये इतना बड़ा घोड़ा कहां से ले आया, और चोरी तो यार हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा ट्राइब तो फेमस है ऑनेस्टी के लिए. कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट इवन दो आई कुड स्मेल इट. हालांकि मैं घोड़े को देख पा रहा था, ये बहुत सुंदर था, मुझे इसकी स्मेल भी आ रही थी, सो लवली इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग. मैं ये भी देख पा रहा था कि घोड़ा सांस ले पा रहा है, सो एक्साइटेड. आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजिन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली अस्लीप और अवेक बिकॉज आई न्यू माय कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स. अब यहाँ पे वो क्या बात बता रहा है कि भाई हमारा कबीला इतना गरीब था कि मुझे इस वाली बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ना तो मैं, ना ही मुराद, ना ही हमारे कबीले का कोई भी मेंबर घोड़ा तो यार खरीद ही नहीं सकता. भैया जहां पे खाने पीने के पैसा नहीं है वहां पे घोड़ा कैसे खरीद लेगा. एंड इफ आई कुडंट हैव बॉट इट इट मस्ट हैव स्टोलन इट. और अगर इस ये खरीद नहीं सकता तो इसका मतलब इसने चुराया है. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन इट. लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैंने एक तरह से विश्वास नहीं किया इस बात पे कि वो इस घोड़े को कभी चुराएगा. क्यों? क्योंकि गैरोगैलियन जो ट्राइब था उसकी एक पॉलिसी थी, वो हमेशा से कैसे थे, ईमानदार थे, है ना. नो मेंबर ऑफ गैरोगैलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. जो हमारे ट्राइब का तो कोई भी मेंबर चोर तो कभी नहीं हो सकता था. आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स. पहले मैंने अपने कजिन को देखा और फिर हॉर्स को देखा. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. दोनों के दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे. ह्यूमर मतलब मुझे हंसी सी भी आ रही थी दोनों को देख के. विच वन ऑफ देम हैड डिलाइटेड मी एंड On the other frightened me. मतलब एक तरफ मुझे देख के खुशी हो रही थी. खुशी क्यों हो रही थी? क्योंकि यार चलो यार घोड़े पे बैठने को मिलेगा. और frightened मतलब डर भी रहा था मैं इसलिए कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो इसने घोड़ा चुराया हो और फिर भाई साहब मतलब हमारे पूरे कबीले का नाम बर्बाद होगा. मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. मैंने अपने भाई से कहा, मुराद भाई तूने ये घोड़ा कहाँ से चुराया बेटा, मुझे सच सच बता दे. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वॉन्ट टू राइड. उनने कहा बेटा अपना काम से काम कर, अगर घोड़े पे बैठना है तो भैया जल्दी आ जा कूद के. It was true then. यानी कि ये वाली बात साबित हो गई कि उसने घोड़ा चुराया था. He had stolen the horse. There was no question about it. अब तो इसके बारे में कोई question ही नहीं था. He had come to invite me to ride or not as I chose. वो तो आया था बस मुझे बताने कि भैया घोड़े पे बैठना या नहीं बैठना, जब जो तेरी मर्जी होगी वो कर लेगा. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not same thing as stealing something else, just as money. अब यहाँ पे जो आराम है अपनी इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने किसी का घोड़ा ले लिया और हमने उस पर सवारी कर ली घोड़े की, तो यार ये कोई चोरी नहीं है, हमने कोई पैसा थोड़ी चुराया है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल. मेरे लिए ये बिल्कुल भी कोई चोरी वाली बात नहीं है. इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजेंट स्टीलिंग. अब वो हमसे कह रहा है क्योंकि वो नरेटर है, अगर तुम भी मेरी तरह और मेरे भाई कजिन की तरह घोड़े का शौक रखते हो या घोड़े के लिए क्रेजी हो तो बिल्कुल भी भाई साहब ये कोई चोरी थोड़ी ना, हम तो घोड़े को मतलब राइड करके सवारी करके लौटा देंगे, तो ये कोई चोरी नहीं है. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई नो वी वुड नेवर डू. हाँ ये तब तक चोरी नहीं है जब तक हम घोड़े को लेके और उसे बेच ना दे और उस पैसे का यूज ना कर ले. तो वो कह रहा है हम घोड़े को बेचेंगे नहीं, हम वो पैसा कभी लेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये कोई चोरी नहीं है. Let me put on some clothes, I said. तो मैंने अपने भाई से कहा, अरे भाई आ रहा हूँ मुझे कपड़े तो पहनने थे.
ऑल राइट ही सेड बट हरी, भाई जल्दी जल्दी कर, उसने कहा. आई लीव्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने. आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माय कजिन मुराद. जल्दी से मैंने कपड़े पहन के विंडो से ही छलांग लगा दी आंगन में और जल्दी ही मैं अपने उस घोड़े पे मुराद के पीछे बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल जिस साल वो घोड़ा चुराया था हम शहर के किनारे पे रहते थे ऑन वॉलनट एवेन्यू में. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे जो हाउस के पीछे क्या था, गांव जैसा एरिया था. कंट्री का मतलब है गांव, जहां पे विनियार्ड्स लगे हुए थे, मतलब अंगूरों के बाग लगे हुए थे, ऑर्किड्स फूलों के बाग लगे हुए थे, इरिगेशन डिचेस पॉन्ड्स मतलब तालाब वगैरह थे जहां से जो खेत होते हैं उसमें पानी दिया जाता है. कंट्री रोड्स थे, कच्चे रोड बने हुए थे. इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और 3 मिनट के अंदर अंदर हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और फिर ट्रॉट का मतलब है जो घोड़ा है वो दौड़ने लगा. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो हवा थी बड़ी सुहावनी लग रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और बहुत मजा आ रहा था घोड़े की सवारी करके. माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर, और जो मेरा कजिन है जो सबसे ज्यादा पागलपन जिसे कहा जाता है हमारी फैमिली में, वो गाना गाने लग गया. गाना गाने से मेरा मतलब है वो चिल्लाने लगा, मतलब खुशी में. एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर, हर किसी ना किसी फैमिली में कोई ना कोई पागल आदमी होता है, जैसे हमारे यहाँ ये था. एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब. डिसेंडेंट का मतलब होता है जैसे आप लोग हो, अपने पापा के डिसेंडेंट हो, है ना, वंशज हो. तो ऐसे ही हमारे जो अरम है उसे भी हमारे ही कबीले के एक इंसान का, जो हमारे अंकल लगते थे, उनका डिसेंडेंट कहते थे लोग. बिफोर हिम वॉज अंकल खुसरो, और अगर आराम से पिछली जनरेशन की बात करें तो अगर वो जो पागलपन आराम के अंदर है वो हमारे अंकल खुसरो में था. कैसे? एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और वो जो अंकल खुसरो थे बड़े लंबे चौड़े आदमी थे, बड़ा सा सिर था, काले बाल थे. एंड द लार्जेस्ट मुस्टाच इन सेंट जैकन वैली, और सेंट जैकन वैली में उनकी सबसे बड़ी मूछें थी. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और इतने ज्यादा गुस्से वाले थे, सो इरिटेबल, बात बातों पे वो इरिटेट हो जाते थे, सो इम्पेशेंट, उनमें धैर्य नाम की चीज नहीं थी. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टेकिंग बाय टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. आपने देखा होगा कुछ लोगों का पैट डायलॉग होता है, जैसे हमारे पापा हैं, मेरे पापा एक्चुअल में डायलॉग कहते हैं, हजार बार समझाया है, हजार बार समझाया है. तो ऐसे ही वो कह रहा है कि जो खुसरोव है, खुसरोव का एक पैट डायलॉग था, जब भी कोई उसके सामने बात करता था वो तेज तेज ये बोलता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. ये उनका पैट डायलॉग था. क्या? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. दैट वॉज ऑल नो मैटर. खाली बात यहीं पे खत्म नहीं होती. वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई भी बात चल रही हो, मतलब वो अंकल खुसरो के बारे में आराम हमें बता रहा है कि कोई भी बात चल रही हो, वो उस बात को ये कह के खत्म कर देते हैं, इट इज नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो. वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर. दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. अब वो बता रहे हैं कि मेरे जो अंकल थे इतने ज्यादा पागल थे भाई साहब, एक बार उनका लड़का जिसका नाम क्या था अराक, वो उनके पास भागा भागा गया जब वो एक नाई की दुकान में अपनी मूछों को ठीक करवा रहे थे. उसने कहा पापा पापा आग लगी है, घर में आग लगी है. तो फिर भी उसके पापा जो अंकल खुसरो में वो कह, अरे बेटा कोई बात नहीं, इट इज नो हार्म, नो पे नो अटेंशन टू इट. द बार्बर सेट बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सो खुसरो रोड Enough, it is no harm. जो वहां पर जो नाई है, जो उसके पापा की यानी कि खुसरो की, अंकल खुसरो की जो मुझे ठीक कर रहा था, भाई साहब तुम्हारा लड़का ये कह रहा है तुम्हारे घर में तो आग लग गई है, अब तुम यूं कह रहे हो भाई साहब. फिर भी वो यूं कहते थे, अरे यार मैंने कह तो दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू अपना काम कर. नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जुराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. जैसे आपने अपनी फैमिली में देखा होता होगा ना कि हम कभी कभी किसी बच्चे को कहते हैं, यार ये तो अपने मामा पे गया है, ये तो अपने चाचा पे गया है, ये तो अपने ताऊ पे गया है. तो ऐसे ही वो बताते हैं कि जो मेरा कजिन था मुराद, उसको सब यूं ही कहते थे कि ये तो अपने अंकल यानी कि खुसरो पे गया है, मतलब उनकी जैसी आदतें हैं. ऑल दो मुराद फादर वॉज जुराब, हालांकि उसके जो एक्चुअल फादर थे वो जुराब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि बिल्कुल सेंसिबल थे, उनमें कोई भी ऐसी आदत नहीं थी जो अंकल खुसरो में थी या मुराद में थी. दैट्स हाउ इट वॉज इन ट्राइब, लेकिन हमारे ट्राइब में यही होता था. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन फ्लैश, ओन सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज एबल टू फादर्स ऑफ हिज स्पिरिट. मतलब जरूरी नहीं है कि एक बच्चे
एक आदमी जो है एक बच्चे का पिता तो हो सकता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस बच्चे के अंदर जो आदतें हैं अपने पापा के जैसी, वो ट्राइब में किसी से भी मेल खा सकती थी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्प्रिट टू अर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट का मतलब होता है चेंजिंग एंड अनस्टेबल। तो हमारे कबीले में ये भी खास बात थी कि जरूरी नहीं है कि जो आदतें पिता में हो वो ही बच्चे में आए, वो पूरे कबीले में कहीं से भी आ सकती थी, चाचा से, ताऊ से, कहीं से भी। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम घोड़ा चलाते जा रहे थे और मेरा जो कजिन है मुराद वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द नेबर्स वी बिलोंग टू। क्योंकि याद होगा आपको कि वो सुबह के 4 बजे आए थे जब सब लोग सो रहे थे, तो वो यहाँ पे बता रहा है सब लोगों को लग रहा था कि अभी भी हम वहीं पे हैं क्योंकि अभी तक सब लोग सो के नहीं उठे थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक घोड़े का मन कर रहा था दौड़ने का। एट लास्ट माई सन माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। लास्ट में मेरे जो कजिन है मुराद, उसने कहा भाई अब तू नीचे उतर, अब मैं अकेला चलाना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked. फिर मैंने उससे कहा भाई पहले तू चला ले, फिर उसके बाद मुझे चलाने देगा, मैं भी अकेले चलाऊंगा। That is up to the horse, my cousin said, get down. बेटा वो तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, वो तुझे चलाने देगा या नहीं चलाने देगा, चल अब उतर। किसने कहा? मुराद ने। The horse will let me ride, I said. तो आराम ने कहा क्यों भाई, अगर तुझे चलाने देगा तो ये मैं भी चलाऊंगा इसे अकेले। We shall see, he said. उसने कहा चल ठीक है भाई देख लेंगे। Don't forget that I have a way with a horse. देखो इस लाइन को ध्यान से समझो। I have a way with a horse का मतलब है मुराद जो है, जो कि घोड़ा लाया था चुरा के, वो कह रहा है कि मुझे घोड़ों के बिहेवियर का पता है, मैं जानता हूँ घोड़ों को कैसे डील किया जाता है, वो तुझे नहीं पता। Well, I said, anyway, you have way with horse, I have also. फिर जो आराम है उसे अपनी इंसल्ट फील होती है, वो कह रहा है हाँ भाई तुझे पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी हॉर्स को डील करना आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। तो उसने कहा मुराद ने भाई मैं तो तेरी सेफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ, चल ठीक है देख लेंगे, अब जल्दी उतर यार मुझे अकेले चलाना है। ऑल राइट आई सेड बट रिमेम्बर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन याद रखियो भाई तेरे बाद मैं चलाऊंगा इसे, अकेला चलाऊंगा मैं भी। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन। द हॉर्स स्टूड एंड ऑन इट्स हिंड लेग्स स्नॉर्टेड एंड बस्टेड। द स्नॉर्ट का मतलब होता है नाक में से आवाज निकाला बड़ी तेज से, एंड फ्यूरी ऑफ हिज स्पीड दैट वॉज द लवलीस्ट। इसके बाद जैसे ही मैं उतरा, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, जो मेरा जो कजिन था मुराद, उसने घोड़े को यहाँ पे किक किया और उसके बाद घोड़ा अपने पिछले वाले पैरों पे यहाँ पे आप देख सकते हो खड़ा हो गया और इतनी जोर से भागा कि जो मेरे लिए देखना बहुत अमेजिंग था, है ना। माई कजिन मुराद रेज द हॉर्सेस अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास में भगा के ले गया, फिर वो उसे इरिगेशन डिच में ले गया। इरिगेशन डिच मैंने आपको बता दिया था, जो पॉन्ड वगैरह पानी वगैरह भरा होता है तालाब में, जिसका यूज होता है खेतों में पानी देने के लिए। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, हॉर्स का डिच भी पार करवाया। एंड 5 मिनट्स लेटर ही रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और 5 मिनट बाद वो लौट के आया और वो पूरी तरह से गीला था। गीला क्यों था? क्योंकि जब वो इरिगेशन डिच में से गए होंगे, अगर आप पानी में घोड़ा चलाओगे तो जाहिर सी बात है जो छींटे हैं वो आपके ऊपर भी आएंगे उसकी वजह से। द सन वॉज कमिंग अप, धीरे धीरे सुबह हो रही थी, सूरज उग रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मैंने कहा भाई अब मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कजिन है वो घोड़े पर से उतरा। राइड ही सेड, उसने कहा ले भाई तू चला ले। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं घोड़े पे कूद के चढ़ा लेकिन मेरा जो फियर है वो सामने आ गया, और वो क्या था कि यार जो घोड़ा है वो चल ही नहीं रहा था मुझसे, मतलब वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. अब जो उसका जो cousin है Murad, जो कि जानता था actually, वो कहता है अरे भैया ऐसे थोड़ी चलाते हैं यार घोड़े को, इसके muscles में थोड़ा सा kick कर, थोड़ा सा लात मार, तब ये चलेगा, और भाई हमें ये लौटाना भी है क्योंकि सब लोग जगने वाले हैं। लौटाना मतलब क्योंकि जहां से वो चुरा के लाया था वहां पर उसे वापस बांध के आना है। I kicked into the muscle of the horse once again, it reared and snorted. मैंने उसकी मसल पे जैसा ही, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कजिन ने, मैंने वैसा ही किया और तब इसने भी आवाज करी और इसने देन इट बिगेन टू रन, और ये भागने लग गया। इट डिड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, लेकिन अब मुझे नहीं पता था अब आगे क्या करना। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन टू द रोड टू द विनयार्ड ऑफ डेक्रेन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइंस। मतलब जब मेरे भाई ने चलाया तब तो यार ये सीधा सीधा भागा, लेकिन अब जब मेरी बारी आई तो ये कहां पे जाने लगा, इरिगेशन, सॉरी
इरिगेशन डिच में जाने की बजाय ये वाइन यार्ड में जाने लगा, मतलब जहां अंगूरों के गुच्छे लगे हुए थे जो कि किसके थे, एक फार्मर के थे डिक्रेन हलेबियन के वहां पे, और ये बार बार लीप करने लगा, मतलब उछलने लगा। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइंस बिफोर आई फेल, जब ये मेरे गिरने से पहले, मतलब जो आराम है फाइनली घोड़े से गिर गया क्योंकि घोड़ा बार बार छलांग मार रहा था। देन आई कंटिन्यूड रनिंग, देन इट कंटिन्यूड, और उसके बाद भी मतलब आराम को गिराने के बाद भी घोड़ा भागता ही रहा। माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कजिन जो मुराद है भागता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। तभी वो जो उसका कजिन है मुराद वहां भागता हुआ आया, वो कह रहा यार भाई मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है क्योंकि हमें घोड़े को लौटाना भी है। तू ऐसा कर, तू इस रास्ते पे जा और मैं दूसरे रास्ते पे जाता हूँ और ढूंढते हैं, ठीक है, अगर तुझे मिल जाए तो उसके साथ प्यार से पेश आई हो। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच। मैं एक रास्ते पे मैं गया और दूसरे रास्ते पे मेरा जो भाई था मुराद वो गया ढूंढने। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे आधा घंटा लग गया किसको ढूंढने में, हॉर्स को ढूंढने में, और फिर वो आधे घंटे बाद फाइनली घोड़े को ले आया। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड। तभी उसने कहा जल्दी से, जंप ऑन का मतलब है जल्दी से घोड़े पे बैठ जाओ, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सब लोग उठ चुके हैं, व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आराम ने कहा, मतलब मैंने कहा अब हम क्या करेंगे। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो मुराद ने कहा या तो हम इसे वहीं पे जाके बांध दूंगा मैं जहां से मैं इसे लाया हूं, बैक कर दूंगा, या हम इसे छुपा देंगे कल सुबह तक। He did not sound worried. वो उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं लग रही थी। And I knew he would hide him and not take him back. और मुझे पता था ये इसे छुपाएगा, ये इसे वापस नहीं करेगा, not for a while at एनी रेट, और इसे किसी भी कीमत पे ये वापस तो नहीं करेगा क्योंकि अभी तक उसका और मेरा मन नहीं भरा था हॉर्स राइडिंग से। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा, यानी आराम ने पूछा कि हम इसे कहां छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। अब आराम को शक हो जाता है कि सचमुच में ये इसने चुराया है, तो वो उससे पूछता है कि कितना टाइम हो गया तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब आराम को ये शक हो जाता है। Down on me का मतलब है आराम के दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो मुराद है इस घोड़ों को कई दिनों से चला रहा है, उसने मुझे आज सुबह ही दिखाया है क्योंकि उसे ये पता था कि मुझे भी घोड़े की राइड करना कितना पसंद है। Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद ने थोड़े से गुस्से में कहा, किसने कहा तुमसे कि घोड़ा मैंने चुराया? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो जो आराम है वो क्वेश्चन को चेंज कर देता है, अरे यार मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे भाई, बस मुझे ये बता दे तू कितने दिनों से इस घोड़े को चला रहा है। Not until this morning, he said. उसने कहा ये वाली बात तो सच है कि हाँ मैं खाली आज सुबह से नहीं चला रहा, मतलब काफी टाइम हो गया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, सॉरी नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग का मतलब है आज सुबह से पहले नहीं चला रहा था मैं, बस आज सुबह ही चला रहा है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने मुराद से कहा क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स नॉट का मतलब है कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ही सेड, इफ वी आर फाउंड दैट्स वाई यू आर टू से, लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है कि हमें ये घोड़ा कब मिला है तो तुम्हें ये कहना है कि हमें ये घोड़ा आज ही मिला। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों पकड़े जाएं, मतलब मैं कुछ बोलूं, मैं बोलूं कुछ और तू बोले कुछ और। तो याद रखना अगर कोई पूछे कि तुम्हें ये घोड़ा कब मिला है, मुराद कहता आराम से, तो हमें बोलना है कि हमें ये घोड़ा आज सुबह ही मिला। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, ठीक है भाई तुझे यही कहना कि हमने इस घोड़े को आज सुबह से ही चलाया। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा चल ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम फैट विजन। अब उसने चुपचाप ले जाके घोड़े को एक बांध में बांध दिया। बांध क्या होता है, फार्म हाउसेस में एक जगह जो होती है जहां पे घोड़े या जानवरों को बांधा जाता है, उसे बांध जो कि डेजर्टेड था, मतलब वो खाली पड़ा था। वहां पे एक टाइम पे वाइन यार्ड हुआ करता था, अंगूरों की बेल हुआ करती थी, किसकी, एक फार्मर की जिसका नाम था फेदवाजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न, वहां पे कुछ सूखे ओट्स पड़े हुए थे और अल्फा अल्फा ये सब क्या होते हैं, सीरियल्स होते हैं, मतलब अनाज होता है जिन्हें कि घोड़ा खा सकता है।
वी बिगेन वॉकिंग होम, तो हमने घोड़े को वहां बांध लिया और हम घर पे वापस आ गए। इट वॉजेंट इजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, तो जब हम वापस आ रहे थे तो मुराद ने कहा यह आसान नहीं था घोड़े से इतनी अच्छी तरह से बिहेव करवाना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, शुरुआत में ये घोड़ा इतना जेंटल नहीं था जैसा कि अब है, ये बड़ा वाइल्ड था, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे घोड़ों के साथ उनका व्यवहार पता है, आई नो, है ना, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, और मुराद जो है आराम से कहता है अब मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ क्योंकि जो घोड़े हैं वो मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, तो आराम कहता है यार तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, उसने कहा हॉर्सेस के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अलग ही समझ है। Yes, but what sort of an understanding, I said, पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है भाई मुझे भी बता दो। A simple and honest one, वो कहता है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सिंपल है और ऑनेस्ट वन है क्योंकि मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that, Vishak, with a horse. तो आराम कहता है काश कि मुझे भी तुम्हारी तरह इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती हॉर्स के साथ तो कितना अच्छा होता। You are still a small boy, he said, when you get to 13, you will know how to do it. वो कहता है कि अभी तुम 9 साल के हो, मतलब छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि हॉर्स के साथ किस तरह से अंडरस्टैंडिंग बिठानी होती है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया, यानी आराम बता रहा है कि मैं घर गया और मैंने खूब पेट भर के खाना ब्रेकफास्ट खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट, याद है आपको खुसरो अंकल कौन थे जो बाद बाद में डांटते थे, ये कहते थे इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो उस दोपहर में अंकल खुसरो हमारे घर में आए कॉफी के लिए सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर का मतलब है लिविंग रूम, वो बाहर वाले कमरे में लिविंग रूम में बैठे जहां पे वो कॉफी पी रहे थे और स्मोक कर रहे थे और अपना पुराना टाइम ओल्ड कंट्री वाला टाइम याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, तभी वहां पे एक दूसरा फार्मर आता है जिसका नाम होता है जॉन बायरो, एन असीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न्ड टू स्पीक आर्मेनियन, वैसे तो वो असीरिया कंट्री को बिलोंग करता था लेकिन उसने आर्मेनिया लैंग्वेज सीख ली थी। माय मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, मेरी मम्मी उसके लिए भी जो फार्मर आया था जॉन बायरो उसके लिए भी कॉफी और कुछ टोबैको लेके आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसने सिगरेट भी ली ठीक है स्मोक की। एंड देन एट लास्ट शाइंगली सैडली ही सेड माय वाइट हॉर्स व्हिच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन आई कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग, तब उसने मेरे अंकल खुसरो को कहा बड़ी ही दुखी आवाज में कि मेरा सफेद रंग का घोड़ा जो कि पिछले महीने से चोरी हुआ था अभी तक नहीं मिला है, क्या करूं मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। माय अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म व्हाट इज द हॉर्स व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स। अब अंकल खुसरो की आदत सबको पता थी, वो हर बात में कहते थे कोई बात नहीं है इस पे ध्यान मत दो बहुत तेज आवाज, तो अंकल को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या यार तुम भी क्या छोटी छोटी बातों पे रोते रहते हो, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या हॉर्स का खोना भी कोई एक लॉस है, बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं है, क्या हम लोगों ने अपनी जो जमीन थी मातृभूमि थी वो नहीं खो दी और तुम यार इसके ऊपर रो रहे हो एक हॉर्स के ऊपर। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, सिटी ड्वेलर का मतलब होता है शहर में रहने वाले, टू से जॉन बायरो सेड बट व्हाट ऑफ माय सरे, सरे होता है घोड़ा गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जिसमें चार पहिए होते हैं जिसे घोड़ा खींचता है, व्हाट गुड इज सरी अ विदाउट अ हॉर्स, तो जॉन बायरो कहता है भाई साहब आप तो शहर में रहने वाले हो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं तो फार्मर हूं मेरे पास तो एक घोड़ा गाड़ी है, अगर घोड़ा ही नहीं होगा तो उस गाड़ी तो मेरे लिए यूजलेस है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, अंकल ने गुस्से से कहा अब यार इस पर ध्यान मत दे भाई। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सर, जॉन बायरो कह रहा मैं यहां तक आने के लिए 10 miles चल के आया हूँ पैदल चल के, मतलब वो ये कहना चाह रहा अगर मेरे पास घोड़ा गाड़ी होती तो मैं घोड़ा गाड़ी पे आता। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, अरे तो भैया तेरे पास पैर हैं चलने के लिए, मेरे अंकल ने कहा। माई लेफ्ट लेग्स पेन्स मी द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा पर मेरे उल्टे पैर में बहुत लेफ्ट साइड वाले पैर में बहुत दर्द रहता। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो, अरे यार इस पर ध्यान मत दे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60 द फार्मर सेड, वो कहता है कि मैंने ये घोड़ा बहुत महंगा खरीदा था $60 में। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल ने कहा यार मैं पैसे को कुछ नहीं समझता थूकता हूं मैं तेरे पैसे पे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, तब वो भी उसे भी जाहिर सी बात है जो फार्मर आया था जॉन बायरो उसे भी बहुत बुरा लगा, वो गया स्टॉक्ड आउट का मतलब तेजी से स्लैमिंग द स्क्रीन डोर का मतलब होता है आपने देखा होगा दरवाजे के साथ एक जाली वाला दरवाजा भी लगवा दिया जाता है उसके लिए यूज हो रहा है, उसने वो पटक के बंद किया। जब ये लोग चले गए तो उसके बाद मेरी मम्मी ने क्या एक्सप्लेन किया
He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. तो मेरी मम्मी ने कहा, अंकल खुसरो का बस थोड़ा सा जो क्या नाम है बोलने का तरीका थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब हाई पिच में वो बात करते हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा अकेला महसूस करते हैं और होम उन्हें घर की याद सताती है, बस इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं, अदरवाइज वो एक अच्छे पर्सन है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद्स होम। अब आराम को शक हो गया कि जिस घोड़े की बात जॉन बायरो कर रहा था शायद वो वही घोड़ा है जो मुराद ने चुराया है, तभी वो जाता है किसके पास, मुराद के घर जाता है उससे बात करने। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin. Robin क्या होती है, एक तरह की चिड़िया होती है छोटी सी। जब मैं उसके घर गया मुराद के घर तो मैंने देखा कि वो आड़ू, पीच का मतलब होता है आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था और वो एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख में चोट लग गई थी वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। He was talking to the bird और वो बर्ड से बात करने की कोशिश कर रहा था। What is it? He said. तो जैसे ही मैं पूछा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा उसके पास, उसने कहा हाँ भाई क्यों आए हो? The farmer John Byro, I said, he visited our house. तो मैंने उसे बताया कि जो John Byro नाम का एक farmer है वो आज हमारे घर आया था। He wants his horse. वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। You have had it a month. तो अब क्या है, जो आराम है उसे पता चल जाता है कि इसने घोड़ा आज सुबह नहीं चुराया, इसे घोड़ा चुराए हुए करीबन एक महीना हो चुका है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, आराम उसे लौटाने के बजाय कहता है कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो तुम घोड़े को लौटाओगे नहीं जब तक कि मैं घोड़ा चलाना ठीक से सीख ना लूं। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. मेरा कजिन मुराद बोला कि भाई तुझे सीखने में यार एक साल लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said. तो आराम कहता है हाँ तो क्या बात है, अगर वही मुझे अगर एक साल लगेगा तो कोई बात नहीं, एक साल के लिए रख लो। माई कजिन मुराद लीव टू हिज फीट, वो खड़ा हुआ जल्दी से। वॉट ही रोड, वो चिल्लाया, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ गारो ग्लेनियन फैमिली टू स्टील द हॉर्स, मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर। तो जो मुराद है अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, क्यों, क्या तुम ये चाहते हो कि गारो ग्लेनियन फैमिली का कोई भी जो सदस्य है उससे तुम कह रहे हो कि वो घोड़े को चुरा ले? हाँ, जो घोड़ा है वो तो उसके असली मालिक के पास ही जाएगा, मतलब मैं इसे लौटा के रहूंगा। When, I said, तो आराम पूछता कब लौटाओगे? In 6 months at least, he said, उसने कहा कि चलो 6 महीने में लौटा देंगे। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. तो जिस बर्ड के विंग्स को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था उसने उसे 2-3 बार उड़ाया, वो नहीं उड़ पाई, लेकिन तीसरी बार कोशिश करने पे वो अच्छे से उड़ के चली गई। तो एक बात हमें पता चलता है मुराद के बारे में कि एनिमल्स के बिहेवियर को वो कहीं ना कहीं जानता था। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड विनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन लीव ओवर ग्रेप वाइन एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी इन रन अवे। तो अगले 2 हफ्तों तक मैं और मेरा कजिन मुराद हमारा यही रूटीन रहा, हम रोज सुबह घोड़े को चलाते थे और उसे वो वहीं पे वाइन यार्ड में बांध के आ जाते थे, लेकिन जब भी मेरा नंबर आता था घोड़े को चलाने का वो इधर उधर भागता था और मुझे गिरा देता था। नेवर द लेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपने मन में यही ठान रखा था कि जल्दी ही मैं भी अपने भाई कजिन की तरह सीख जाऊंगा घोड़ा चलाना। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ Fetwegian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to the town. जब एक दिन हम घोड़े को रखने जा रहे थे उसके वाइन यार्ड में, तभी हमें रास्ते में वो टकरा गया। कौन? John Byro, जो कि एक्चुअली उसका असली मालिक था। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. तो जल्दी से मुराद ने मुझसे कहा, तू कुछ मत बोलियो भाई, जो बात करनी होगी मैं करूंगा क्योंकि मुझे फार्मर से बात करने का तरीका पता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। उसने गुड मॉर्निंग कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब जाहिर सी बात है भैया, जिसका घोड़ा खो गया है वो अचानक से चौंक जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। उसने कहा ये तो मेरे जैसा घोड़ा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। उसने कहा गुड मॉर्निंग, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन लैंग्वेज में आंसर दिया कि इसका नाम है माय हार्ट। ओह लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज द स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ। तो वहां पे जॉन बायरो कहता है मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये तो वही
घोड़ा है जो मेरा चुराया गया था एक महीने पहले, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद से, मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल देखो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स टूथ फॉर टूथ, ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। तो वो उसके मुंह को देखता है, वो कहता है भाई साहब एक एक दांत बिल्कुल वैसा ही है। वो कहता है मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता। मींस क्योंकि वो जानता है कि ये गैरोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं और गैरोग्लेनियन फैमिली में पिछले 1100 साल से किसी ने कभी चोरी नहीं की है, तो वो जानता है कि उसी का है या उसके जैसा है, लेकिन वो ये कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूं तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन फॉर टू मी, येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम्हारे हिस्ट्री को जानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कोई भी चोर नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अपनी आंखों पर विश्वास करता ना कि अपने दिल पे। तो वो कह रहा है कि वो तुम्हें ब्लेम करता, वो कहता कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया है, पर क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली में कोई चोरी नहीं करता, तो ये जो घोड़ा है डिट्टो मेरे घोड़े का ट्विन है। जॉन गुड डे जॉन बायरो माई कजिन मुराद सर, मेरे कजिन ने भी उसे कह दिया गुड डे। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it into the barn. The dogs followed us around without making a sound. तो अगली सुबह क्योंकि इन लोगों को डर लग गया था, ये लोग वापस गए और इन्होंने जॉन बायरो के उसी के जिसको वो बिलोंग करता था वो घोड़ा, उसी के बार्न में जाके चुपचाप से वहां बांध दिया। वहां पे कुत्ते भी थे जिन्होंने उन्हें फॉलो किया, लेकिन उन्होंने भौंके नहीं वो उनके ऊपर। The dogs I whispered to my cousin मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। और जब वो वहां से आ रहे थे तब आराम ने कहा कि यार मुझे तो कुत्ते देख के डर लग रहा था, मुझे लगा वो भौंकेंगे और हम पकड़े जाएंगे। तो आराम ने जवाब दिया दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। देख रहे हो आप हर जगह जो भी जानवर आता है तो मुराद जो है यही आंसर देता है, आई हैव वे विद डॉग्स, आई हैव वे विद फार्मर, आई हैव वे विद हॉर्स। तो वो कहता है अगर कोई और होता हो तो वो जरूर भौंकते, लेकिन मुझे पता है कुत्तों के साथ कैसे बिहेव करना होता है। My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. क्योंकि जो मेरा कजिन था मुराद वो घोड़े से सचमुच में प्यार करता था, तो बिछड़ने से पहले, जाने से पहले उसने घोड़े को गले लगाया, उसे प्यार किया और तब वो गया। That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and ruined. उस दिन दोबारा से जो John Byro है वो दोबारा मेरे घर आया और उसने मेरी मम्मी को अपना वो घोड़ा दिखाया, क्योंकि आज सुबह वो घोड़ा बांध के आ गए थे तो उसे वो घोड़ा वापस मिल गया। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड। वो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूं, किसी ने घोड़े को चुराया था या घोड़ा कहीं चला गया था, लेकिन आज की डेट में मेरा घोड़ा पहले से स्ट्रॉन्गर है, बेहतर है। बेटर टेम्पर्ड का मतलब है अब ये अच्छे से बिहेव कर रहा है, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न पे नो अटेंशन टू इट। मेरे अंकल खुसरो जो कि पार्लर यानी लिविंग रूम में बैठे थे, उन्होंने कहा भाई यार तेरा घोड़ा मिल गया ना भाई, अब इस पर ज्यादा ध्यान मत दे। और यहाँ पे चैप्टर हो जाता है खत्म। सो आई होप चिल्ड्रन ये जो चैप्टर है मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में करोगे, आपको बताना है जो आराम है उसका कजिन का नाम क्या है, आराम के कजिन का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं एक अगले वीडियो में।